वर्जन आपको क्यों डाउनलोड कर लेना चाहिए पबजी का और कैसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो भाई केआर वर्जन के बहुत ज्यादा फायदे हैं मतलब ग्लोबल वर्जन के ऊपर, क्योंकि भाई इसमें जो स्किन्स वगैरह है काफी फ्री में मिलती है, बहुत ही वाइडली अवेलेबल है। और भाई इसमें ऐसे ऐसे इवेंट चलते हैं जिससे आप करेक्टर वाउचर और रीनेम कार्ड वगैरह फ्री में निकाल सकते हैं, इवन फैल्कन भी फ्री में मिल जाए। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई पबजी के आर वर्जन आपको क्यों डाउनलोड करने लगा चाहिए, तो भाई मैंने एक पोल करा था अभी अपने चैनल पे आज सुबह, तो भाई उस पोल का रिजल्ट ये रहा कि भाई 80-90% बंदे अभी पबजी ग्लोबल खेलते हैं। बल्कि अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो रिडीम सेक्शन है ये पबजी के आर वर्जन का, भाई इसमें आपको गन स्किन रिडीम कर सकते हैं और भाई इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी आउटफिट है जो आप सिर्फ सिल्वर फ्रेगमेंट से अनलॉक कर सकते हैं, जो कि पबजी ग्लोबल वर्जन में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ये पैराशूट रहा, ये ग्रोजा की स्किन रही, और भाई जिन पे रॉयल पास नहीं है तो भाई उनके लिए तो ये बेस्ट वर्जन मैं कहूँगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप नीचे जाइए प्लेन की स्किन आपको मिल जाएगी, और देखिए रक्त ऑरेंज कार 90 स्किन की आपने देखी हुई बंदों पे होती होगी, तो भाई वो केआर वर्जन की वजह से आई है। और भाई इसका इवेंट भी आया था बहुत पहले, तो ये इवेंट काफी अच्छा है, मतलब वर्जन बहुत ही अच्छा है। तो अब बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना, तो भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है, ठीक है, आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना है तो ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे आपको सीधे डाउनलोड वर्जन दबा देना है, विदाउट एनी एड आपका भाई डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और भाई इतने जीबी की फाइल है 1.92 जीबी की, तो ये कुछ जितना आपका इंटरनेट स्पीड है उसके हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है और जहाँ आपने डाउनलोड करा है उसे सर्च कर लेना है। जैसे मैंने डाउनलोड करा, मैं इसे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी कुछ स्टेप्स कर लेने हैं और भाई इसके बाद अपन तुरंत से इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में विदाउट एनी देरी, ठीक है। तो ये रहा, तो भाई सबसे पहले अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लें और भाई मोर पे क्लिक करें और भाई इसको रीनेम कर लें। तो भाई इसका जो नाम होगा लास्ट में XAPK लिखा होगा, इसे आपको जिप फाइल रीनेम कर देनी है, ठीक है। तो zip.zip और ओके कर दो, ठीक है, इससे जिप फाइल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल कर देनी है। तो आप कोई भी अपने फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर ले, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे एंड्रॉइड फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये मैं फटाफट से जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये 10x स्पीड पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वरना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक बार एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको वही वाला फोल्डर फिर से खोल लेना है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करा था, ठीक है। जैसे मैंने अपना एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करा था, आप कोई भी XYZ फोल्डर में कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फाइल खोल लेनी है, इसमें दो फोल्डर होंगे एंड्रॉइड और APK। तो आपको APK पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल पे क्लिक करें। हो सकता है इधर आपसे पूछे कि भाई आपकी सेटिंग ब्लॉक्ड है, तो भाई सेटिंग में जाके अननोन सोर्स को इनेबल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना। ये पहली बार कई बार हो जाता है कुछ कुछ डिवाइसेस में जब आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें वायरस वायरस तो कुछ है नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो भी आपको स्कैन करके दिखा देगा एंटीवायरस जो हो। तो भाई ये स्कैन कर रहा है, तो देखो भाई कोई इसमें वायरस वगैरह नहीं है। तो ये वाली APK इंस्टॉल होने के बाद अब आपको ऊपर एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाना है OBB और .com, ये वाली फाइल को क्या कर लेना है, कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में एक और एंड्रॉइड नाम से फोल्डर होगा, तो एंड्रॉइड फोल्डर अपन ढूंढेंगे, इसमें OBB पे आपको क्लिक करना है और भाई इधर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉपी होने में, ठीक है। तो एक बार कॉपी हो जाए बहुत ही आसान है। अब कॉपी हो जाने के बाद भाई आपको कुछ नहीं करना है, भाई सीधा अपना गेम खोल लेना है। भाई देखो आप गेम खोलोगे तो बिल्कुल ऐसा स्टार्ट होगा, इसकी लोडिंग स्क्रीन डिफरेंट रहती है। और भाई कितना शॉर्ट वीडियो से अपन ने KR वर्जन डाउनलोड कर लिया। तो गाइस थैंक यू, थैंक्स।